नमस्कार, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, इट्स कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस थ्रू एजुकेशन एंड काउंसलिंग। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट जो इस सेशन को कवर करेंगे, डॉक्टर विजय राय, मेडिकल सुपरिटेंडेंट राव तुलाराम हॉस्पिटल जाफरपुर नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। वेलकम डॉक्टर सर। नमस्कार। इससे पहले कि हम मैनेजमेंट पे जाएं, मैं डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जो बुनियादी बातें, जो हमने बेसिक चीज़ें हैं डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है और इसकी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, उसके विषय में हमें कुछ बताएं। धन्यवाद नीरजा जी। मैंने जैसे पिछली बार कहा था कि डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि मधुमेह, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी तरफ ध्यान पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स का, गवर्नमेंट्स का जा रहा है। और मुख्य कारण इसका यह है कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारी समस्याएं छूत की बीमारियां थी, और अब 60 साल के बाद छूत की बीमारियां कंट्रोल में आ चुकी हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिनमें से डायबिटीज़ मुख्य है, ये बढ़ती जा रही है। दो तीन बुनियादी चीज़ें जो हमारे श्रोता हैं, खासतौर से कम्युनिटी वर्कर्स, उन्हें जानना पड़ेगा कि ये बीमारी, मूलभूत कारण इसका हमारे बदलते हुए रहन सहन, लाइफस्टाइल उसके कारणों में से है। और हाँ, इसमें कुछ फैमिली हिस्ट्री अगर है डायबिटीज़ की, क्योंकि इंसुलिन पूरा ना बनने के कारण से ये बीमारी पैदा होती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, और सिर्फ डॉक्टर और नर्सेज के ऊपर ही अगर हम छोड़ दें कि ये सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, संभव नहीं है। इसके लिए हमें लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। और इसको अगर डायबिटीज़ को ठीक से मैनेज ना किया जाए तो इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एक्यूट भी, क्रॉनिक भी, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे जी। और इसके अलावा कि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर से जुड़ी नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल सिस्टम बॉडी के अफेक्ट हो जाते हैं। और WHO के मुताबिक अगर हमने अभी कुछ प्रभावशाली कदम नहीं उठाए तो हो सकता है कि अगले 2006 से 15 के बीच में 10 साल के अंदर हमारी बीमारी से जुड़ी हुई समस्याएं हमारी बहुत बढ़ने वाली हैं। डॉक्टर साहब, आप डायबिटीज मेलाइटिस के हमारे स्टूडेंट्स को एक बार डेफिनेशन और साइंस एंड सिम्टम्स थोड़ा रिव्यू करा देंगे, ताकि जब वो मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन समझें तो उनको एक बार दिमाग में रहेगा कि मधुमेह या डायबिटीज़ क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बिल्कुल, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है विच इज़ कैरेक्टराइज बाय क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया विद डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि शरीर के अंदर जो हमारे केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो इंसुलिन की कमी या इंसुलिन के प्रभाव न हो जाने के कारण से होते हैं। और बेसिकली फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जब अफेक्ट होता है, उसी से इसके अंदर ये बीमारी पैदा होती है। सबसे कॉमन चीज़ जो देखी गई है वो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेसिया। पॉलीयूरिया का मतलब बार बार पेशाब जाना, पॉलीडिप्सिया का मतलब प्यास लगना, पॉलीफेसिया का मतलब भूख ज़्यादा लगना। इसके अलावा वेट लॉस, फटीग यानी कि थकान, कमज़ोरी, और बार बार इन्फेक्शन हो जाना, और अगर कोई चोट लग जाए तो उसका घाव ना भरना, लक्षण है हमारे जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को शुगर की संभावना, मतलब जब भी किसी भी पेशेंट इनके पास आता है ये लक्षण लेके, तो इनको उनको सलाह देनी चाहिए कि डॉक्टर के पास जरूर जाएं अपने डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, कितने प्रकार की डायबिटीज होती है, क्लासिफिकेशन बताएंगे, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर टाइप के डायबिटीज़ का इलाज, देखभाल, ट्रीटमेंट अलग होता है। डायबिटीज़, जैसा आप स्लाइड में देखेंगे कि आमतौर से टाइप 1, टाइप 2 और अदर्स की श्रेणी में बांटा गया है इसको। टाइप 1 जो कि कम कॉमन है, जो अक्सर कम पाई जाती है, इसमें इंसुलिन बिल्कुल भी शरीर में नहीं होता है, शरीर इंसुलिन बना नहीं पाता है, अक्सर ये कम उम्र के लोगों में पाई जाती है। टाइप 2 जो है, जो 3/4 मरीज़ हमारे हैं, 3/4 टाइप जो है वो टाइप 2 है, सबसे कॉमन है, अक्सर मिडिल एज में शुरू होती है, ज़्यादातर लोगों में, बड़े लोगों में, बूढ़े लोगों में ये पाई जाती है, इसका कंट्रोल आसान है। और अदर्स के अंदर दो तरह की है, जो गर्भ
धारण की अवस्था में जेस्टेशनल डायबिटीज जिसको कहते हैं जी. वो आती है, और एक कम उम्र के बच्चों में मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग कहा गया है, वो एक अलग कैटेगरी बनाई गई है. और टाइप वन के अंदर भी दो कैटेगरी हैं, एक ऑटो इम्यून है जिसके अंदर की इंसुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं, इंसुलिन डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, और वन बी जिसमें कि जिसके कारण पूरे अभी हमें ज्ञात नहीं है, उनके अंदर अक्सर लेकिन कीटोसिस ज़्यादा पाया गया है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा पाई गई हैं. अब हम आते हैं मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस पे, जो एक बहुत ही ज़रूरी कदम है और इसके बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि जीवन शैली में परिवर्तन. ये इतना आसान नहीं है कि हम जीवन शैली अपनी या नियम जो हमारे रोज़ की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, जिस तरह से हम अपनी सुबह से शाम तक जो काम करते हैं उसमें कुछ बदलाव लाना, क्योंकि अगर हमें भी कोई बोलेगा तो हम भी बहुत बार सोचते हैं कि हम कैसे बदलाव लाएं, मेरे पास इतना समय कहाँ है. लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या जीवन शैली में परिवर्तन का मतलब क्या है और इसके बेनिफिट क्या हैं, वो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे. इसके बारे में बताने से पहले जी मैं एक मूलभूत परिवर्तन जो मेडिसिन के अप्रोच में है कि डायबिटीज़ के मरीज को इतना सक्षम कर देना कि वो अपने इलाज में सबसे मुख्य रोल वो अदा करें जी, डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स या बाकी सब लोग उसको सपोर्ट करें जी, लेकिन शुगर का कंट्रोल मरीज के हाथ में हो, ये हमारा ध्येय है जी. और इसको अचीव करने के लिए जो चीज़ सबसे कॉमन है वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जी, क्योंकि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की सलाह तो डॉक्टर दे सकता है, करने वाला मरीज खुद है जी. तो ये यानी कि एक इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए मरीज खुद तय कर सके कि मुझे अपना कैसे जीवन यापन करना है, कैसे डिजीज़ कंट्रोल करनी है. इनफैक्ट अगर डिजीज़ को सही तरह से कंट्रोल कर लिया जाए और खुद उसका कंट्रोल मेरे अपने हाथ में हो तो चांसेस हैं कि आपको समस्या नहीं फेस करने में, इनफैक्ट ये बीमारी रहेगी नहीं. यानी कि जिसे हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं जी, यानी कि पेशेंट को अपनी सेल्फ मैनेजमेंट करनी है कि कैसे मुझे अपना ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर या लिपिड प्रोफाइल है कैसे, ताकि मेरे को कॉम्प्लिकेशन ना हो आगे, उसकी देखभाल करनी है. डॉक्टर साहब, आप इसका मतलब और बेनिफिट बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सुनने में शब्द बड़ा है, मतलब बहुत साधारण है इसका, कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर ले, ब्लड शुगर कंट्रोल कर ले, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे, और लिपिड प्रोफाइल या शरीर के अंदर जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कम हो जाना, तो उसको बढ़ाने की प्रक्रिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना, सेंस ऑफ वेल बीइंग कि बीमारी है लेकिन मेरे को इसकी वजह से कोई दुख परेशानी नहीं है, एक एटीट्यूड चेंज करना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना अपने अंदर, ये जो है हमारे बेनिफिट्स हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के. और सबसे बड़ी चीज़ कि ये सोचना कि ये चीज़ आसान है, आसान नहीं है. एक व्यक्ति को इसके लिए काफ़ी अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, अपनी सोच में बदलना पड़ेगा. लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का मुख्य हिस्सा आपका है चेंज इन डाइट. डाइट कहना बहुत आसान है कि आप अपनी डाइट में परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है हेल्थ वर्कर्स के लिए और मरीजों के लिए भी, क्योंकि अक्सर लोग अपनी डाइट को अपने आप से आइडेंटिफाई करते हैं, खुशी से आइडेंटिफाई करते हैं, खुराक के प्रति बहुत ध्यान रहता है, और जब हम किसी को कहते हैं कि तुम ये चीज़ नहीं खा सकते हो तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है. अक्सर वो उसको ये सोचने लग जाता है कि मेरे साथ एक अभिशाप आ गया मेरे ऊपर. तो सिर्फ सोच की बात है, सोच बदलने की बात है, और इसके लिए हमारे डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक वर्कर्स हैं, कम्युनिटी वर्कर्स हैं, जो इस मामले में उसकी मदद करते हैं. डॉक्टर साहब, चेंज इन डाइट में हम दो तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, जैसे बैलेंस डाइट है, सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि डाइट का मेन जो बेस है वो न्यूट्रिशन है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट हमें देते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं. तो थोड़ा सा एक ब्रीफ में आप हमारे स्टूडेंट्स को बैलेंस डाइट और उसके सोर्सेज के बारे में ज़रूर बताएं. जी, बैलेंस डाइट का मतलब यह है कि एक ही हर खुराक में, जो खुराक हम लेते हैं, चाहे लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, हर एक में वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलें जो कि शरीर को चलाने के लिए
बनाने के लिए आवश्यक हैं, और ऐसी वो डाइट जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें वो बैलेंस डाइट है। और बॉडी की नीड को फुलफिल करने के लिए दो तीन चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो है एनर्जी, ग्रोथ, बॉडी की रिपेयर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और अपनी प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जी। तो उसके लिए आपको सही मात्रा में अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज वगैरह लेनी है। और ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बेसिकली तीन कैटेगरीज में हैं, जैसे कि एनर्जी गिविंग है कार्बोहाइड्रेट और फैट, बॉडी बिल्डिंग है प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव है विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह। जब भी हमारे स्टूडेंट्स किसी भी पेशेंट को डाइट के बारे में बताएं तो मैं ये सोचती हूँ कि उनको डाइटिशियन और डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर साथ में लेनी चाहिए, क्योंकि सही मात्रा में कितना क्या लेना है वो उनको ठीक से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, सोर्सेस कुछ एग्जांपल बता देंगे आप स्टूडेंट्स को? हाँ, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अक्सर आपको सीरियल्स में मिलते हैं, गेहूँ है, बाजरा है, चावल है, और चीनी है जिसमें गुड़ है, स्टार्च के और सोर्सेज खासतौर से आलू है, आपके फ्रूट्स हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। प्रोटीन्स हमें अक्सर मिलते हैं मटर में, सोयाबीन है, इवन सीरियल्स में भी, जो हम मैंने गेहूँ भी बताया उनमें भी प्रोटीन होता है थोड़ा सा कम, लेकिन दालों में प्रोटीन ज़्यादा है, नट्स हैं, पोल्ट्री है, चिकन है, फिश है, मीट है, एग है, नॉन वेजिटेरियन फूड जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी अधिक होती है। इसके अलावा फैट है जिसमें आपके मक्खन है, घी है, ऑयल्स हैं, विटामिन्स हैं जो कि आपको लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्ती वाले जो सब्जियां हैं उनमें मिलता है, फ्रूट्स हैं, अंडा है, मीट है, मिनरल्स भी हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मिलते हैं, मिल्क में मिलते हैं, एग है, मीट है, नमक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें एक सही मात्रा में जब मिलती हैं तो बैलेंस डाइट कहलाती है। अब आता है कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो हम डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं फूड पिरामिड और फूड एक्सचेंज, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मना कर दी जाती हैं या कहते हैं कि कम खानी है, तो उसमें जो हमारा फूड पिरामिड का कॉन्सेप्ट है और फूड एक्सचेंज लिस्ट जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं इसमें। डॉक्टर साहब, फूड पिरामिड के विषय में और उसका फूड एक्सचेंज से क्या लिंक है उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएंगे? जी, फूड पिरामिड में बेसिकली हम जो भी फूड आइटम जो मैंने गिनाए थे उनको हम बेसिकली चार लेयर में अटैच कर लेते हैं। पिरामिड का बेस आपको पता है सबसे वाइड होता है, ब्रॉड होता है, उस बेस के अंदर वो चीज़ें जो हम अक्सर आसानी से डायबिटिक्स खा सकते हैं, उनमें ग्रेन्स हैं जो मैंने कहा, सीरियल्स वगैरह हैं, ब्रेड्स हैं, चपाती है, रोटी है, सब्ज़ी है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो फूड पिरामिड के बेस में हैं और इन्हें एक डायबिटिक आसानी से ले सकता है। फ्रूट्स जो है जो कंट्रोल से लिए जाते हैं क्योंकि फ्रूट्स में शुगर्स होती हैं, लेकिन क्योंकि उनमें विटामिन्स भी हैं तो उनको हमें कंट्रोल से लेना है। उसके ऊपर मिल्क, एग, मीट वगैरह हैं जिनके अंदर की, इन्हें भी हमें कंट्रोल से लेना है। लेना इसलिए है क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, कम इसलिए क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और सबसे ऊपर जो है आपके फैट्स और स्वीट्स हैं, ये वो आइटम है जो आपको अवॉइड करने हैं, सबसे कम लेने हैं जी। तो डॉक्टर साहब, फूड एक्सचेंज का और पिरामिड का क्या लिंक है इसमें? कुछ लिंक है या फूड एक्सचेंज एक अपने आप में एक्सक्लूसिव कुछ कॉन्सेप्ट है? फूड एक्सचेंज का मतलब यह है कि पिरामिड में जो ग्रुप हमने बताए जी, अगर एक व्यक्ति एक चीज ना खा करके दूसरी चीज खाना चाहे, हाँ जी, तो वो क्या चीज हो सकती है? अच्छा, वो इसका लिंक है। तो एक ही पिरामिड की एक लेवल जो मैंने बताया था उसके अंदर उसी लेवल में जो चीजें मौजूद हैं एक के बजाय दूसरी ली जा सकती है। और जैसे मान लीजिए कि एक आदमी चावल खाना ज्यादा पसंद करता है, जैसे हमारे यहाँ बंगाल है, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ की राइस स्टेपल फूड है जी, और दूसरी जगहों पे हमारे हरियाणा है, पंजाब है, जहाँ की चपाती ज़्यादा खाई जाती है, दोनों एक ग्रुप में हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उनकी रिलेटिव वैल्यू डाइट चार्ट्स के जरिए मौजूद है। और जब डाइटिशियन एक डाइट प्रिस्क्राइब करता है तो बता देता है कि कितनी कैलोरीज आपको लेनी है, वो कैलोरीज आपको किन किन चीज़ों से मिल सकती हैं। यानी कि अगर जो हमारा पेशेंट है अगर सुबह नाश्ते में, खाने में और रात के खाने में कुछ बदलाव करना चाहता है तो एक्सचेंज लिस्ट के माध्यम से वो अपने फूड आइटम्स को चेंज कर सकता है। बिल्कुल, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा। और ये पेशेंट को समझाना मिरेकल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट समझते हैं कि हम कुछ नहीं खा सकते, बट वो
फूड पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम आपको ये समझाना चाहते हैं, पेशेंट खा सकता है बट कुछ आइटम ज़्यादा खा सकता है, जिसे हम कहते हैं फ्री फूड आइटम्स, और कुछ आइटम्स रिस्ट्रिक्शन से खा सकता है। उसके विषय में डॉक्टर साहब, फ्री फूड आइटम्स और रिस्ट्रिक्टेड फूड आइटम्स के विषय में अब आपको बताएंगे। उसके बारे में बताने से पहले मैं खाली फूड एक्सचेंज के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि फूड एक्सचेंज मरीज के लिए फ्रीडम है, उसकी आज़ादी है। किसी भी डाइट के प्रोग्राम में अगर हम मरीज़ को बहुत ज़्यादा बांध दें, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो मैंने बताया ना कि उसके उसके जीवन में खुशी और हैप्पीनेस का होना बहुत आवश्यक है। डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं कि वो दुखी होकर के अपना इलाज कराए। तो फूड एक्सचेंज उसके लिए फ्रीडम है। फ्री फूड आइटम वो हैं जो हम लिस्ट देते हैं, जिसमें वो अपनी मर्जी से उसका चयन कर सकता है। ये वो फ्री फूड आइटम हैं जो कि ब्लड शुगर को बढ़ाते नहीं हैं, अगर हम उन्हें बार बार लें तब भी। जैसे कि 2 से 3 बार अगर हम उन फ्री फूड आइटम्स को लें तो वो बढ़ते नहीं हैं। अक्सर ये आइटम वो हैं जिनके अंदर 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी कि 20 कैलोरी से कम पर सर्विंग होता है। और इन्हें अगर आप खाने के बीच में भी ले लें और तो भी इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके डायबिटीज़ के कंट्रोल में फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा बार लेंगे तो आपको उनको अपने डाइट प्लान में शामिल करना चाहिए। और ये ज़्यादातर वो आइटम है, फ्री फूड आइटम, जो आपने हमारे फूड पिरामिड के बेस पे देखे जी। और रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स भी डॉक्टर साहब कुछ होंगे जो पेशेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड करते हैं डाइटिशियन की, ये आइटम कम खाइए या बिल्कुल मत खाइए अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो? जी, जो रिस्ट्रिक्टेड फूड आइटम है, जैसे मैंने बताया चीनी है, गुड़ है, फलों में आपके अंगूर हैं, ऐसी चीज़ें जिनको खाते ही आपके शुगर का कंट्रोल ख़राब हो सकता है, ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी है। और रिस्ट्रिक्टेड फूड आइटम वो हैं जैसे कि मैंने बताया कि आपको कम मात्रा में खाने हैं, जैसे चावल है, आलू है, इवन चपातियां भी, चीनी है, गुड़ है, जैम है, मिठाई है, मीठे फ्रूट्स हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया चीकू है या आपका अंगूर है जी, शहद है, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इनको खाने से आपका शुगर कंट्रोल ख़राब हो सकता है। इसी प्रकार से कुछ आइटम हैं जो आपको कम खाने हैं, जैसे कि घी है, ऑयल है, बटर है, बल्कि घी और मक्खन को आप बिल्कुल कम कर दें और उसकी जगह अगर आप ऑयल्स लें, सरसों का तेल है या ऐसे ऐसे ऑयल्स जो जमते नहीं हैं, जो फैट नहीं बन पाते, तेल का ऑयल या कोई ये ले सकते, राइस ब्रैन ऑयल है, सोया ऑयल है, ये सारे ऑयल्स हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल से। डॉक्टर साहब, बहुत बार क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट को जब ये बताया जाता है या उनकी फैमिली को बताया जाता है कि उनके डाइट में चेंज करना है, तो बहुत बार वो घबरा जाते हैं कि हमें इतना चेंज लाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो आपने अभी हमें इन्फॉर्मेशन दी फूड एक्सचेंज के बारे में, रिस्ट्रिक्टेड और फ्री फूड के डाइट के बारे में, कि जो हमारा रोज़मर्रा का खाना घर में बनता है, शायद पेशेंट उसी में अपने खाने को भी एडजस्ट कर सकता है। क्योंकि ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि पेशेंट सोचते हैं या उनके फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि हमें क्या अलग से खाना बनाना पड़ेगा पेशेंट के लिए। तो एक ये समस्या बहुत बार पेशेंट्स को आती है जो शायद पेशेंट्स को अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए कि हमारे लिए कोई अलग खाना हमें खाना है या हम जो रोज़ हमारे घर में बनता है नहीं खा सकते। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें उन्हें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करनी है, जैसे मीठी चीज़ें हैं, घी है, ऑयल है। मेरा कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप इस विषय के बारे में जो पेशेंट्स के लिए बेनिफिट हो? डाइट कंट्रोल कैसे प्रेजेंट किया जाता है मरीज को या पेशेंट को जिसको डायबिटीज़ है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो जिस जो मरीज़ है, जो बीमार है, उसके ऊपर तो उसका बुरा असर होता ही है, वो तो सोचता है भाई कहाँ से मुसीबत आ गई। परिवार के लोग अपनी जल्दबाजी में कि हम जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर दें, ठीक कर दें जी, और उस चक्कर में उसको इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं, इतना दबाव दे देते हैं कि वो अपने आप को एक जैसे होता है ना कि घर में ही आइसोलेटेड महसूस करता है। उसको लगता है कि इससे मेरी जो है मेरी स्थिति जो मेरे परिवार में थी पहले, वो नहीं रही। पहले मैं जैसे खाना मैं जो मांगूं और मुझे मिले, ये भी एक पावर है घर के अंदर, एक परिवार में एक पावर है तो वो पावर का लॉस जो है वो भी। तो मेरा मतलब कि एक उस मरीज की साइकोलॉजी का ध्यान रखना और जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनका इसके प्रति सेंसिटिव होना वो अति आवश्यक है। यानी और मोटी सी बात आपने बिल्कुल सही इशारा किया कि जो हम सब लोग खाते हैं, रेगुलर आम तौर से खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, वो सबके लिए अच्छे हैं, डायबिटिक के लिए भी अच्छे हैं और जो परिवार के बाकी लोग हैं उनके लिए भी अच्छे हैं। यहाँ तक कि इवन बच्चों को भी कहा जा रहा है कि आज के डेट में कि उन्हें भी
जरूरत से ज्यादा घी तेल मक्खन खिलाने की आवश्यकता नहीं है जी। बच्चों में भी बढ़ती हुई मोटापा जो है वो एक समस्या का कारण बन रहा है। तो ये एक बहुत ही सीरियस बात है और इसका ध्यान शायद हर परिवार को, जहाँ डायबिटीज किसी भी परिवार में है तो उनको जरूर रखना चाहिए। अब हम आगे दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और डायबिटीज का क्या रिलेशनशिप है और कितनी एक्सरसाइज और किस प्रकार की एक्सरसाइजेस पेशेंट को करना चाहिए वो डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहें जी। जिस तरह से शुगर के कंट्रोल में पहली तो बात है कि शुगर की इनटेक को कंट्रोल करना, दूसरा तरीका है कि अगर मैं शुगर का खर्च, जो शुगर मेरे में गई शरीर में या स्टोर में पड़ी है, अगर मैं उसे खर्च करने लग जाऊँ तो भी मेरी शुगर कंट्रोल हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज जो है ब्लड शुगर कम करती है और आपका जो हैवी डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो प्रोटेक्टिव हमारा फॉस्फोलिपिड है, जो हमारा फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल है HDL, वो भी एक्सरसाइज से बढ़ता है। इसके अलावा एक्सरसाइज आपका वजन कंट्रोल करती है, आपका ब्लड प्रेशर कम करती है। इससे जो HbA1c लेवल जो हमने बताए थे, जो डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कम होते हैं। ट्राइग्लिसराइड यानी कि ब्लड में जो हमारे फैट्स हैं वो कम होते हैं। एक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होता है। एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए एक बार डॉक्टर से राय जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी जनरल हेल्थ को देख करके, जांच करके आपको बताएगा कि किस क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको नहीं करनी है। आम तौर पर एक किसी भी एक्सरसाइज के रिजीम के साथ उसका रेगुलर होना आवश्यक है। बहुत ज़्यादा ओवरडू मत कीजिए, ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज में जोश में आकर के आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, अगले दिन से आपको परेशानी है, तकलीफ और दर्द शुरू हो गए। उसके बजाय धीरे से शुरू करिए, ग्रेजुअली बढ़ाइए, एंजॉय कीजिए। आमतौर से एक दिन में आधे घंटे का 30 मिनट का शेड्यूल आपके लिए एक एवरेज टाइप 2 डायबिटिक के लिए काफ़ी है, जिसमें 5 मिनट के लिए वार्म अप कीजिए, 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करिए और 5 मिनट के लिए कूल डाउन करिए। जो डायबिटिक ट्रीटमेंट पे हैं, दवाएं ले रहे हैं, उनको अपने साथ कोई ना कोई स्नैक या मिठाई भी रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पर आपकी शुगर लो भी हो सकती है जी। और हाइपोग्लाइसेमिया के साइंस यानी कि लो शुगर के साइंस पता होने चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, जो हमने आज देखा है कि हमारी यंग जनरेशन भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती है और अल्कोहल कंज्यूम करती है या नशा करती है, क्या इसका इफेक्ट भी डायबिटीज मेलाइटिस पे या पेशेंट पे पड़ता है, या उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कुछ चेंजेस लाने चाहिए? अल्कोहल और स्मोकिंग, खास तौर से हमारी जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, वो अपने आप को एक अच्छे लाइफस्टाइल का प्रतीक मानने की वजह से इसकी आदत यंगस्टर्स में ज़्यादा देखी जा रही है। हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके प्रति अट्रैक्ट होने लग गए हैं, पिक्चरों में भी दिखाया जाने लगा है इसको ग्लोरीफाई करके। लेकिन डायबिटीज़ के अंदर इन दोनों का प्रभाव काफ़ी गलत पड़ता है, और जो भी जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को इसके बारे में, इस खतरे, इन दोनों से होने वाले खतरों के बारे में पता होना चाहिए। और ख़ास तौर से अल्कोहल अगर उस समय ली जाए जब आप दवाएं खा रहे हैं डायबिटीज़ की, तो उसमें आपके लो शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग भी काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, पता नहीं चलता जब शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हार्ट डिजीज़ बढ़ाती है, शुगर का कंट्रोल कम कर देती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, आपके लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हैं वो भी उनका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, और ये दोनों मिल करके डायबिटीज़ की होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाती हैं, और मरीज़ को पता नहीं चलता है कि मैं किस तरह से मेरा जो कंट्रोल है मुश्किल होता चला जा रहा है और कैसे मैं कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होने की संभावना बढ़ती जा रही है। यानी कि डॉक्टर साहब, हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमारे 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं, डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। बिल्कुल। तो इन सब का ध्यान जब भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या हमारा कोई भी स्टूडेंट आपके पास, कोई भी मरीज़ आता है, तो इस विषय में उसके उनसे पूछें भी ज़रूर और उनको सलाह ज़रूर दें, और जब भी वो डॉक्टर के पास जाएं या उनको रेफ़र करते हैं तो उसमें समरी में ज़रूर लिखें कि पेशेंट क्या डाइट लेता है, कितनी एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है, स्मोक करता है या अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है। अब हम आते हैं मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मैक्सिमम हमारे देश में पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उसका इलाज कैसे होता है या ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसके विषय में हमें थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताएंगे, ताकि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए आप उसे ठीक से एडवाइस दे सकें और उसको डॉक्टर के पास रेफ़र कर सकें।
टाइप 2 डायबिटीज़ जो सबसे कॉमन है उसे हम पहले लेना चाहेंगे, क्योंकि इसका इलाज बहुत आसान है और जो एम है ट्रीटमेंट का वो है कि हम ब्लड शुगर को नॉर्मल लेवल के आसपास रखें, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें जिसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है, मरीज़ को मोटिवेट करके रखना है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखना है, उसका ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए कि मेरा इलाज असंभव है या मैं तो अब जीवन भर के लिए दवा का शिकार हो गया हूँ। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखना, जहाँ की हमारी कम्युनिटी वर्कर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कॉम्प्लिकेशंस को डिले करना या बिल्कुल न होने देना, रेगुलर ब्लड शुगर की चेकिंग करना, ब्लड प्रेशर का चेक करना, लिपिड प्रोफाइल अपनी चेक कराना, वजन का कंट्रोल रखना, ये सारे चीज़ें पेशेंट के हाथ में हैं और डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में ये बहुत मायने रखती हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बावजूद, डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद अगर शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है तब ऐसे में डॉक्टर के पास जाना आवश्यक है और डॉक्टर अक्सर ऐसे में पहले या तो दवाओं के गोली के ज़रिए इलाज करते हैं, जिसमें ओरल एंटीबायोटिक एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो हैं उनके अंदर सबसे कॉमन ग्रुप जो है बाइगुआनाइड्स का है, जिसमें मेटफॉर्मिन नाम की दवा जो है बड़ी कॉमन है। मैं दवाओं की डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि कम्युनिटी वर्कर्स को, लेकिन खाली ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी दवाई दी जाती मौजूद हैं हमारे तर्कश में, किस किस तरह के तीर हैं जिससे हम डायबिटीज़ का इफेक्टिव इलाज कर सकते हैं। और याद रहे कि इंसुलिन जो है हमारा मेन स्ट्रे ऑफ ट्रीटमेंट है, जहाँ भी जब भी कोई ट्रीटमेंट फेल हो जाएगी, कहीं भी काम नहीं करेगी, तो उसमें हम इंसुलिन को यूज़ कर सकते हैं, खासतौर से टाइप 2 के अंदर। अच्छा। और टाइप 1 के बारे में बताऊंगा कि वहाँ तो ट्रीटमेंट मुख्य का आधार ही वही है। हाँ जी, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में पहले ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स दी जाती है, अगर वो कंट्रोल ना हो डायबिटीज या ब्लड शुगर जिसे, तब हम इंसुलिन पे आते हैं। जी, इसका मतलब है कि डायबिटीज टाइप 2 में भी सबसे पहले पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, जो डॉक्टर की एडवाइस से आप उनको सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन पेशेंट को डॉक्टर के पास ज़रूर भेजें ताकि वो डॉक्टर की सलाह से लाइफस्टाइल में अपने चेंज लाए, और कब दवाएं लेनी है, कितनी लेनी है और उसको रेगुलरली लेनी है वो समझाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बीच में दवाई छोड़ देते हैं, थोड़ा सा भी उनका ठीक होता है ब्लड शुगर या कंट्रोल होता है, वो एकदम दवाई छोड़ देते हैं। आपका मेन रोल है, आपको ये देखना है कि पेशेंट रेगुलरली दवाई ले, ब्लड शुगर चेक करे, और ये मत समझे कि मैंने अगर 2 महीने दवाई ले ली तो बस अब मेरा इलाज हो गया, क्योंकि उसे कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर साहब, अब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के मैनेजमेंट के बारे में ब्रीफ में आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताएंगे? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज जैसे मैंने बताया कि आमतौर से टाइप 2 के मुकाबले कम होती है, और लेकिन इसका पहचान यह है कि इसमें इंसुलिन शरीर में बिल्कुल नहीं बनता है। तो पहली तो चीज़ कि इसके अंदर इंसुलिन मेन ट्रीटमेंट है, वो मरीज को लेना पड़ेगा, लेकिन जो डाइट का और एक्सरसाइज का रोल हमने बताया था वो इसमें कम नहीं है। लेकिन जहाँ पहले था कि हम खाली डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए हल्की फुल्की टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पेशेंट को, क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो इसलिए इंसुलिन तो उसको लेना ही पड़ेगा, यानी कि इसमें इंसुलिन इंजेक्शन तो पेशेंट को लेना ही है, लेना जी। दूसरी तरफ जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है, यानी कि जो गर्भवती स्त्रियों में जिनको पहले शुगर नहीं थी लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से या प्रेगनेंसी के दौरान अगर डिटेक्ट होती है, ऐसी डायबिटीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि मरीजों की स्क्रीनिंग की जाए, और अक्सर स्क्रीनिंग किसकी की जाए, 100% गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई मरीज़ मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री है, या पहले उसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ कभी डिटेक्ट हुई थी, या उनको ऐसी हिस्ट्री रही है कि अबॉर्शंस बार बार होती रहीं, या फ्रेश स्टिलबर्थ हो गई, या पहला बच्चा जो हुआ हो बहुत बड़े साइज़ का हुआ हो, ऐसी स्थिति में इन महिलाओं को हमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और अगर ये डायग्नोज हो जाते हैं तो हमें इनको ट्रीट भी करना है, और इसमें भी इंसुलिन देना आवश्यक है, क्योंकि ओरल जो दवाएं हैं वो जो फीटस के लिए अच्छी नहीं रहती, तो इसलिए इनको इंसुलिन देना आवश्यक है। यानी कि हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो पेशेंट से हिस्ट्री लें या पेशेंट उनके पास आए, तो इससे ये सारी जानकारी उनको लेनी चाहिए, बिल्कुल, गर्भवती महिला से और या जिसके परिवार में डायबिटीज़ है। जी, अभी तक हमने ये देखा कि हम डायबिटीज़ कितने प्रकार की है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं।
हमने आपको बीच बीच में बताया कि डायबिटीज़ की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती हैं, उसके बहुत सारे मुख्य कारण हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। कॉम्प्लिकेशन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं या क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। मेनली एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में हमारा जो डॉक्टर साहब ने आपको हाइपोग्लाइसीमिया बताया था, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके विषय में अब हम डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस और डायबिटीज मेलाइटिस के विषय में थोड़ा सा बताएं। जी, डायबिटीज़ में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस या समस्याएं को क्लासिफाई करने के दो मुख्य तरीके हैं। एक जो यहाँ देख रहे हैं आप, जो हम उनके बेसिक कारण जो है कि डायबिटीज़ में वो कॉम्प्लिकेशंस क्यों होती हैं, तो उसके मुताबिक हमने तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है, माइक्रोवैस्कुलर, मैक्रोवैस्कुलर और अदर्स। माइक्रोवैस्कुलर का मतलब है कि डायबिटीज़ में जब लंबे समय तक डायबिटीज़ चलती है तो बहुत सारी जो हमारे छोटे ब्लड वेसल्स हैं, आर्टेरियोल्स हैं, वो ग्रो करने लग जाते हैं, लेकिन जो वो ग्रोथ से जो नए किस्म के ब्लड वेसल्स बनते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, और उनकी वजह से तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इस कैटेगरी में आँखों में होने वाली हमारी जो रेटनोपैथी है या मैक्युलरएडिमा है, इसके अलावा नर्व्स में होने वाली जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है जिसको हम सेंसरी भी हो सकती है, मोटर हो सकती है, ऑटोनॉमिक हो सकती है, या नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी में होने वाली जो डिजीज़ होती हैं वो माइक्रोवैस्कुलर कैटेगरी में आती हैं। मैक्रोवैस्कुलर कैटेगरी में वो बीमारियां हैं जिनके अंदर की कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाना, जैसे कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ जो कि आपके पैरों के अंदर कभी कभी गैंग्रीन आपने सुना होगा हो जाती है, डायबिटिक फुट की जो प्रॉब्लम, डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम्स हैं, या ब्रेन में होने वाली जो सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सटेंट्स हैं, जो स्ट्रोक हम कहते हैं जिसको, जी पैरालिसिस जो सिंपल लैंग्वेज में जिसे कहते हैं, ये मैक्रोवैस्कुलर डिजीज़ हैं। और इसके अलावा जो और बीमारियां हैं जिनके अंदर की गैस्ट्रोपेरेसिस यानी कि आंतों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, यूरोपैथी है, स्किन की कंडीशंस हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, आंखों में होने वाला कैटरेक्ट है, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया दोनों, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अदर कैटेगरी में। तो ये एक तरीका है कॉम्प्लिकेशंस को देखने का। दूसरा तरीका जो है, जो मैंने बताया था कि एक्यूट या क्रॉनिक के हिसाब से बांट सकते हैं। एक्यूट वो होती हैं जो डायबिटीज़ के अंदर अचानक पैदा हो जाती हैं, उन प्रॉब्लम्स को एक्यूट कहा जाता है, और कुछ जो हैं क्रॉनिक होती हैं जो लंबे समय तक डायबिटीज़ रहने की वजह से होती हैं। मुख्यतः जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें तीन मुख्य पाई गई हैं, जैसा आपने हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो शुगर होना बताया था, इसके अलावा दो और हैं जिनको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, और दूसरी है नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर डायबिटिक कोमा। नाम लंबा है, छोटा करने के लिए आप इसे NKHDC भी कह सकती हैं। ये दोनों जानलेवा हो सकती हैं बीमारियां, तो इनके बारे में हम अभी और चर्चा करते हैं। आप डॉक्टर साहब पहले डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के विषय में हमारे स्टूडेंट्स को उसके विषय में इन ब्रीफ में बताएंगे, तो स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आएंगे तो वो उनको बता सकते हैं, मदद कर सकते हैं उनकी कि अब आपको क्या करना है। जी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये अक्सर कॉम्प्लिकेशन है, बड़ी कॉमन और जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है। अक्सर ये टाइप 1 डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनमें अक्सर पाई गई है, जिनके अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं होता है, और इसकी पहचान है शरीर में जो ब्लड में हमारी पीएच का कम हो जाना, जिसको हम एसिडोसिस कहते हैं, और ये जो है इसका कारण है कि शरीर में जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं और बॉडी हमारी कुछ कीटोन्स नाम की एक केमिकल है वो बनाने लग जाती है, जो कि इस एसिडोसिस का मुख्य कारण है। और ये होता क्यों है, अक्सर ये पाया गया है कि अगर टाइप 1 डायबिटीज़ का मरीज़ किसी रीज़न से इंसुलिन का इंजेक्शन मिस कर दे, या उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए, चोट लग गई, पक गया, या शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गई, किडनी में इन्फेक्शन हो गई, चोट लग जाना, या उम्र अगर थोड़ी ज़्यादा है, हार्ट अटैक का हो जाना, स्ट्रोक हो जाना, इमोशनल स्ट्रेस हो जाना, और कुछ दवाएं, जबकि स्टीरॉयड्स वगैरह जैसी कुछ दवाएं होती हैं वो अगर दी जाएं, तो इससे डायबिटीज़ का कंट्रोल जैसे ही ख़राब होता है तो ये कीटोएसिडोसिस हो सकता है। और कीटोएसिडोसिस मैंने जैसे बताया कि ये एक पोटेंशली जानलेवा सिचुएशन है, तुरंत मरीज़ों को अस्पताल भेजना, तुरंत उनका इलाज इमरजेंसी में ले जाना और ट्रीट कराना ये आवश्यक हो जाता है। यानी कि ये साइंस सिम्टम्स और उम्र के हिसाब से, जैसे बहुत बार होता है कि डायबिटिक पेशेंट को स्ट्रेस और टेंशन, इसका मतलब नहीं लेनी चाहिए।
वैसे तो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, बट डायबिटीज के पेशेंट को क्योंकि एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स काफी हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव इमोशनल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए उनको। अब ये चीज ऐसी जहाँ की परिवार और जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि जो आदमी खुद विक्टिम है जी, जो आदमी सफर कर रहा है, वो कभी कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं अपने आप को मैनेज कर पाता, तो आवश्यक है कि यहाँ पे देखना कि जैसे ही उसके ऊपर स्ट्रेस अगर बढ़ रही है या अगर वो लग रहा है कि वो ठीक से अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है, हल्की सी भी अगर ऐसी संभावना दिखे तो ऐसे में उसके परिवार के लोगों का, कम्युनिटी वर्कर्स का उसको सपोर्ट देना अति आवश्यक है। यानी कि इसमें इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो डायबिटिक पेशेंट के बनने पेशेंट्स के लिए हैं, मेरा ख्याल वो भी काफ़ी मदद कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि वहाँ जाके डायबिटिक पेशेंट जो है अपनी समस्याओं का समाधान शायद उनको जल्दी मिल जाता है, क्योंकि सभी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, सबकी एक जैसी समस्याएँ होती हैं, तो वहाँ जाके उनको लगता है कि नहीं, ये सिर्फ समस्या हमारे साथ नहीं है, बाकी और लोग भी हैं, इसको सुलझाया जा सकता है। अब दूसरी समस्या है नॉन कीटोनिक हाइपोऑस्मोलर डायबिटिक कोमा, इसके विषय में डॉक्टर साहब इसके साइंस सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के विषय में स्टूडेंट्स को बताइए प्लीज़ थोड़ा सा। जी, नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर नाम मैंने जैसे बताया बड़ा है, लेकिन इसमें हम इसका जैसा नाम बता रहा है, नॉन कीटोटिक का मतलब कि इसमें आपको कीटोन शरीर में नहीं दिखाई पड़ती हैं, है ये भी एसिडोसिस। दूसरा हाइपर ऑस्मोलर का मतलब शरीर में जो हमारी ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाती है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, तो सॉल्यूशन के बारे में जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं जानते हैं। थोड़ा सा एक डॉक्टर साहब एक थोड़ा इजी करके एग्जांपल में दे दूं कि जिस तरह से मान लीजिए कि हम पानी में अगर एक चुटकी नमक डालें तो उसकी ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, मैं उसमें दो चुटकी और डालूं तो उसकी ऑस्मोलैरिटी और बढ़ जाती है, थोड़ा सा और डालूं तो और कंसंट्रेटेड होने लग जाता है, और जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की बढ़ती है, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आने लग जाते हैं, और ये जो NKHDC है ये उसी का कारण है। सबसे कॉमन है ये टाइप 2 के अंदर, उनमें से भी जो हमारे वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनमें ज़्यादा पाया गया है, और इसमें भी इसके जो प्रेसिपिटेट होने के जो कारण हैं, मुख्य कारण वो यही हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस हैं, चोट लग जाना, पेशेंट का जल जाना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, अल्कोहल ज़्यादा ले लेना, ये अक्सर उसमें पाया गया है। पहचान क्या है कि इसके अंदर भी आपको डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई पड़ेंगे, बार बार पेशाब जाना, प्यास लगना, वेट लॉस हो जाना। इसके अलावा ऐसे मरीज़ सबसे पहले कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा, उसको अपनी बात को पूरी ठीक से बता न पाना, चीज़ों का सही तरह से जवाब न दे जाना, कन्फ्यूजन का लक्षण है। लिथार्जी, कमज़ोर है, हिला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा है, या अगर उसका कोमा की तरफ जाने लगता है, यानी उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अगर ख़राब होने लग जाता है, कम होती जाती, तो बेहोश होने से पहले, याद रहे कि बेहोश होने से पहले भी पेशेंट अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम होता चला जाता है, तो एक जो विजिलेंट कम्युनिटी वर्कर है वो इसको पहचान सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, कि शरीर में पानी की कमी के लक्षण, जबान सूख जाना, आंखों का गड्ढे में धंस जाना, ठीक है, चमड़ी को अगर आप पिंच करें तो उसमें आमतौर से नॉर्मल चमड़ी तुरंत जैसे ही पिंच करते हैं तो वापस अपनी जगह नॉर्मल लौट जाती है, डिहाइड्रेशन के अंदर नहीं लौट पाती है, तो ये वो लक्षण हैं, जब दिखाई पड़े तो तुरंत पेशेंट को एडमिट करा दीजिए, हॉस्पिटलाइज करा दीजिए, इस पेशेंट का घर में रहना ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारे वर्कर का ये है कि उसको इमीडिएटली, जैसे ही ये लक्षण दिखाई दे, उसको इमीडिएटली कोई भी हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर पास में है उसमें रेफर करना है, और हो सके तो अगर वो साथ में जा सकते हैं या उनका परिवार का कोई सदस्य उनके साथ ज़रूर जाए, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है, तो परिवार के किसी सदस्य का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सेशन अटेंड करने के लिए।